कोई किताबों से ढूंढता है, कोई संविधान किताब से ढूंढता है, कोई हिस्ट्री चैनल से ढूंढता है, कोई किताब में पढ़ता है, कोई सुनो सुनाए बताता है, मगर ये बात नहीं। बात 70 साल पुरानी ये है कि आप ये देखो कि जो संविधान शब्द है ये क्या कहता है। इसके 3 हिस्से हैं। जब हम इसको पाली भाषा में इसके 3 हिस्से करते हैं तो इसका जो बीच का शब्द है था इसका मूल शब्द है। ये था से बना हुआ है। था का मतलब है धारण। अब धारण क्या करना है? धारण करना है वी का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है, जो बनाया गया है, जो नियम है वो। और ने लगाने से क्या हो जाता है? ये विधान। विधान होते ही इस शब्द को आदेशात्मक हो जाता है, यानी कि ये काम आपको करना है। विधान का मतलब है कि इसमें नो इफ नो बट, कोई किंतु परंतु नहीं है, आपको ये काम करना है। ये विधान है, ये नियम है, इसको नियम बोलते हैं। और अगर इसमें सम लग जाए तो सम का मतलब है बराबर के नियम। अब ये बराबर के नियम है मगर ये अभी अधूरा है, क्योंकि जहां से ये बाबा साहब ने लिया है इसका पूरा मतलब है सम्यक संविधान। सम्यक माने सही, यानी बराबर तो होगा मगर सही, और विधान का मतलब नियम है। तो अगर ये सम्यक संविधान है तो 70 साल पहले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि 70 साल पहले कोई सम्यक संविधान तो है नहीं। अगर सम्यक संविधान होता तो फिर संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ती? तो 70 साल पहले जो बात चल रही है वो है विषम विधान, जिसमें शय लग जाए, विष हो जाए। एक बात ध्यान रखना, शय हमारा पाली का पुराना शब्द नहीं है। शय जिसमें लग जाए वो शब्द उनका होता है, और भी शब्द हैं, कभी फिर बताऊंगा पाली के बारे में। तो विषम विधान के बदले में संविधान आया। अब विषम विधान कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, क्योंकि ये इतना छोटा नहीं है जो बाबा साहब ने बनाया, और इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं है कि आपको पढ़ना पड़े कि इसका नियम क्या है क्या नहीं है। ये बड़ा साधारण भी है और बड़ा मजबूत भी है, बड़ा लचीला भी है, बड़ा मजेदार भी है। और इसके लिए बगल में किताब रख के संविधान के अनुच्छेद, संविधान की धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसको सोच लो, समझ लो कि संविधान और विषम विधान में अंतर क्या है। आपको 1 सेकंड के अंदर संविधान और विधान ऐसे रख जाए और आपको समझ आ जाएगा कि चीजें चल कैसे रही। तो ये जो विषम विधान है ये संविधान से पहले चलता था, और विषम विधान का मतलब है कि सब चीज में विषमता। विषमता तो आप समझ रहे हो, झेल रहे हो। विषमता आप जानते हो कि आपको मिले, आपको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा जो फायदे का सामान है, और जो कष्ट का सामान है वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आपको मिलेगा नहीं, आपको गाली मिलेंगी, आपको बेइज्जती मिलेगी, आपकी क्या बोले पिटाई होगी मिलेगी और खूब मिलेगी। ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, मगर आपको क्या नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको कपड़ा नहीं मिलेगी, आपकी जो महिला औरतें हैं उनको इज्जत नहीं मिलेगी। सब चीजें आप विषमता में आती। तो ये संविधान विषमता का भी लागू हुआ, मगर कब हुआ? जब पहला संविधान उन्होंने डाउन किया, खत्म किया। तो पहला संविधान पता कर लो, क्योंकि ये दुनिया का अकेला संविधान नहीं है। दुनिया में जब मनुष्य बना तब से संविधान बनते आ रहे। आप तो संविधान को एक किताब के रूप में देखते हो, बाबा साहब के रूप में देखते हो, गलती है, बहुत छोटा करके देखते हो। बहुत ज्यादा आदमी इंटरनेट पर पढ़ लेगा तो क्या बताएगा? ये वहां का संविधान, ये वहां का संविधान, ये वहां का संविधान, ये वहां का संविधान। एक अकेला आदमी अगर दुनिया में धरती पर रहे तो उसे जीने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ऑडिटोरियम में बैठ के आप और हम भाषण देंगे तो यहाँ नियम की जरूरत है। अगर आपको एक बार कह दिया अध्यक्ष ने कि आप शांत रहिए तो आपको शांत रहना पड़ेगा। ये यहाँ का विधान है, ये यहाँ का संविधान है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप संविधान और विधान को उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये संविधान आपको सड़क चलते हुए चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलेंगे तो कीड़े वेड़े उड़ जाओगे, ठुकाई हो जाएगी, पुलिस वाला ना भी पकड़ेगा तो उड़ जाओगे। तो सड़क का संविधान है, तो रेल का संविधान है, तो घर का संविधान है, तो मोहल्ले का संविधान है, तो जहां काम कर रहे हैं वहां का संविधान है। ये संविधान लिखित में और प्रवली हो गए, क्योंकि जब आप मनुष्य को रेगुलेट करते हैं, मनुष्य चलेगा तो वो संविधान हो गया, और सही तरीके से चलेगा तो सम्यक संविधान हो गया। तो ये लिखित में और बिना लिखित में चलते हैं। तो जितने भी अब तक लगभग 4200 संविधान और संविधान और विधान अब तक आ चुके हैं, वो सारे जो आपको दिखाई देता है, जिनको आप धर्म बोलते हैं या मजहब बोलते हैं या किसी किताब बोलते हैं या पंथ बोलते हैं, वो सारे विधान है। वो किसी भैंस के लिए, गाय के लिए, जानवर के लिए नहीं है, वो सारे मनुष्य के लिए है। और वो लिखित में है और अधिक लिखित में होते हैं, और उनके नाम कुछ भी हो मगर वो रेगुलेट करते हैं, इसलिए वो संविधान है या विधान है। तो इसलिए ये पुराने चले आ रहे हैं। अब जब बुद्ध ने नियम बनाए, पहली बार बुद्ध ने नियम बताए और उनको याद करवाया, क्योंकि उस समय तक अक्षर तो था नहीं, कागज नहीं था, तो लिखे कहाँ से?
तो गणक हुआ करते थे, गणकों को याद किया जाता था कि ये गणक हैं, ये बताएंगे जीने के क्या नियम है। तो बुद्ध ने जीने के नियम बताए, राजा के नियम बताए, जो लोग वहां खेतों में काम करें उनके नियम बताए, कोई जा रहा रास्ते में उसके नियम बताए, बड़े नियम बताए, वो सारे हैं। वो पहला सम्यक संविधान था, उसमें आपको बराबरी का हक मिला, उसमें आपको बराबरी की इज्जत मिली, उसमें देश ने बहुत तरक्की की, और वो सम्यक संविधान ग्रंथ दत्तक रहा। और ग्रंथ दत्तक आपका जो राज था वो कहां तक था, बर्मा से लेके और ईरान तक था। ये कमाल की बात है कि जब सम्यक संविधान जब भी लागू होगा आपका राज बढ़ेगा, आपका राज मेंटेन रहेगा, और आपका जो राज वहां से लेके वहां तक सम्यक संविधान के तहत आया। उसके बाद ग्रंथ दत्तक के अंदर जब उन्होंने तलवार मारी और उसका राज छीना, तब आपका पहला संविधान खत्म हुआ और विषम विधान लागू हुआ। तब से लेके अब तक विषम विधान लागू हुआ, और बाबा साहब ने इसलिए वॉलिन बजाया कि आज मैंने विषम विधान को खत्म करके संविधान लागू कर दिया। जरा जोरदार ताली तो बजाओ। संविधान को छोटा मत समझना कभी। संविधान इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि ये लगभग 2000 साल बाद आपके हाथ लगा है। अब इसको खतरा किसी से नहीं है। ये जो खतरे का शब्द और खतरे को कहते ना, बड़ा खतरा है। आप ध्यान से देखना कि हमारे किसी महापुरुष या किसी भी आदमी ने कभी नहीं कहा कि ये खतरा है। ये खतरे का एजेंडा उधर से आया हुआ है जो आपने पकड़ लिया। जैसे अभी हमारे कई वक्ता कह रहे वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे, तुमने क्या करना वहां, तुम अपना एजेंडा देखो, तुम अपना काम करो, तुम दूसरे की बात क्यों करते हो। व्हाट्सएप पे एजेंडा फेंक दिया कि वहां 20 आदमी इकट्ठे हो गए और आपने भूल गया और चलाने शुरू कर दिए। आपने कभी अपनी रैली को कहा कि हमारी रैली 3 लाख की वहां हुई है, 5 लाख की वहां, जरा घबराए उसे, आप उनका एजेंडा क्यों उठाते हो। आपका संविधान इतना बड़ा एजेंडा है, आपके पास इतनी बढ़िया चीज है, आपके पास इतने 200 महापुरुष है, आपके पास उनके पास 50 नहीं है। आपने कभी अपने महापुरुष देखे, अपना एजेंडा देखा? 70 साल पहले का आप संविधान उठाओगे, चीजें उठाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी कीमती चीजें क्या है। और इसके बाद में इसको कोई खतरा नहीं है। इसको याद रखना, ये अपने आप में बहुत मजबूत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये खत्म जब होगा जब आप बेवकूफी करोगे, ये खत्म जब होगा जब आप ये कहोगे कि ये खतरे में, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी खतरे में नहीं है। ये बहुत तेजी से वो लोग खतरे में इसकी वजह से हैं। और ये बाबा साहब का और ये बुद्ध का पूरा चक्र दोबारा घूम रहा है और विजय होने वाली और जय होने वाली और मैं 3 घंटे बोलता है मगर छोड़ देता हूँ आपको, क्योंकि आप पहले परेशान हो। धन्यवाद आपको।